राष्ट्रगीत हमारी तरफ से और एक राष्ट्रगीत वहां से होना है, बिल्कुल। क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल अपने ठीक समय से शुरू हो गया था, समय से पहले बेटे। हाँ, समय से पहले ही हो गया था शुरू, वरना आजकल पार्टियां लेट पहुंचती हैं और फिर लेट कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन हम दोनों लोग समय से पहले ही आ गए थे, बिल्कुल, और कार्यक्रम भी समय से ही शुरू हो गया था, बिल्कुल। उद्घोषक महोदय खुद नहीं आए थे जब हम लोग आ गए थे। उद्घोषक की छोड़ो, हमारे राइटर नहीं आए थे। साहू भैया खुद नहीं आए थे। आइए चलते चलाते चार पंक्तियां पढ़ रही हूं अपनी ओर से, बिल्कुल। तो जब भी जी जाए देश की बात आती है, अभिमानी फूलता रहा अभिमान के ऊपर, अभिमानी फूलता रहा अभिमान के ऊपर, बम फेंकता था बैठ के विमान के ऊपर, कायम ना रह सका अपनी जुबान के ऊपर, कायम ना रह सका अपनी जुबान के ऊपर, सबकी नजर थी इंदिरा के फरमान के ऊपर, और कैसे शैतान चढ़ गया था उस शैतान के ऊपर, शैतान चढ़ गया था उस शैतान के ऊपर, रहने को चाहता था आसमान के ऊपर, बरसाने लगा आग खुद कुरान के ऊपर, बरसाने लगा आग खुद कुरान के ऊपर, सब थूकते थे जनरल अहिया खान के ऊपर, लेकिन जहां तक हमारे भारत देश की बात आती है, हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुषों ने, देशभक्तों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, बिल्कुल, जिन पर हमारे देश को आज भी बड़ा गर्व होता है। तो आप सभी को एक उदाहरण दे रही हूं, कैसे, और सबसे पहले लिए चलती हूं अपने क्षेत्र बुंदेलखंड की ओर। क्या बात, याद करिए कहानी, पुराने
लॉर्ड। पीठ रण में न दिखाई, सीने पे गोली खाई, तो विश्व ये जानता है नाम लक्ष्मी बाई। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, क्या बात है, जिन पर आज पूरे देश को तो गर्व है ही, खास तौर से हमारे बुंदेलखंड को। इसलिए कहा है, जब भी इतिहास में उनका नाम लिया गया, फिर वो चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो, नाम सुन श्रद्धा से सर अपना झुका लेते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग। एक टुकड़ा और सुनिएगा, भाव पर भाव देके और क्या कहा करता था, क्या? ये बदला लूंगा मैं, ना जुल्म सहूंगा मैं, नाम आजाद है आजाद ही रहूंगा मैं। चंद्रशेखर आजाद तो कहना है क्या? उनकी कुर्बानियों को कैसे भुला, वतन के वास्ते सर अपना कटा दे। एक महापुरुष और हुए हमारे देश में, और उन्होंने कहा हमारे भारत के नौजवानों से, क्या मेरे देशवासियों, वो सरफरोश बनो, सरफरोश बनो, ना फरामोश बनो, अगर बनना है तो सुभाष चंद्र बोस बनो। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, बात बुनियादी दूंगा, हो गया आदि दूंगा, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कफन तिरंगे को भारत।
सरस्वती मैया की जय, बोले राम राजा सरकार की जय, बोले बालाजी महाराज की जय, बोले गंगादास बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो अपनी अपनी मैया की जय, बोलो गवैया सुनवैया की जय, बोलो कीर्तन करवैया की जय, बोलो आज के आनंद की जय, जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सम्मान में हाँ देखिए हमारे कितने कितने बड़े बुजुर्ग जो तालियां बजा रहे हैं, वो तो और सचदेवा का कार्यक्रम के बाद ही समापन हो जाए। हेलो 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 हाँ निपटाया, चूंकि आखिरी चक्र है तो आपको क्या हम बोले। लेकिन अरविंद भैया आप बैठना थोड़ी देर, अब जाना नहीं। उम्मीद भैया पीठ ही ना दिखाओ मुझे। क्या किसी ने में अपने सीने में अपने सीने में अपने मैं मान ले के चलता हूं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान चलता हूं, मेरे सीने में लिख दो बंदे मातरम, क्योंकि सीने में हिंदुस्तान लेके चलता हूं। बढ़िया बातें हो चुकी हैं, कुछ मुद्राएं लगा लेना। हम आपको कुछ कह नहीं रहे आदरणीय बुआ जी, कुछ मुद्राएं उसमें मालम लगा ली। लेकिन घर जाके आप सोचना, अरे अरविंद भैया कहां बैठो भी, आपको भी कह रहे हैं कुछ। हाँ सही, अब तुम सही पार्टी में आए हो। तो कहना ये है, आप घर में जाके आप कह रहे कि एक कार्यक्रम आज भी लगा है, आपसे कार्यक्रम कई लगे हैं और क्या, इसे थोड़ी। और आप घर में जाके ये सोचना कि आपने जिसके कहने पर ये कह दिया कि ये चौपाई आपकी गलत है, इसका भावार्थ गलत है। ये इसका भावार्थ दिए है आदरणीय बुआ जी, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, यानी प्रभु की मुद्रिका को हनुमान जी महाराज ने मुख में रख लिया और सागर को लांग गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और आप कह रही हैं कि रामचरितमानस में नहीं है, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखी, बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा भी लिखी, आप ऐसे कैसे निर्णय कर सकती हैं कि एक ग्रंथ को आप उनके सत्य बता रही हैं, दूसरे ग्रंथ को आप नकार रही हैं? ये आप विचार करना। रामचरितमानस को भी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है और हनुमान चालीसा को भी उन्होंने लिखा है, और जहां की आप चौपाई बता रही हैं एक बार उमेश भैया से पूछ लीजिएगा। आपने कहा लेकर गए और लेकर आए, तो हम जाने की बात कर रहे हैं, वहां पे रुक के निकालने की हाथ से बात नहीं कर रहे हैं, जाने की बात करिए, बाकी ठीक है बढ़िया है। और उसको जहां चौपाई आपने बोली उसको एक बार फिर से पढ़ना, सही। ये नहीं कि उमेश भैया ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हो सकता है उनसे भी गलती हो जाती है। सही, उनसे हो गई गलती। एक भाई साहब, चलिए छोड़िए इन सब बातों में, कुछ रखा नहीं है, उसको बच्चे को कुछ कह दो, ठीक है कुछ ना कहो, आखिरी चक्र है। चलो अच्छा आज कह ले। आदरणीय बुआ जी आखिरी चक्कर, इसलिए आपको हम कुछ कही नहीं रहे, फिर आप मिलिएगा, फिर आप यही गाना गाइएगा, फिर आपको हम बताएंगे। हो सकता कि अब ये गाना आप हमसे गाओ ना, सही, लेकिन गाना आपको कसम, सही। अरविंद भैया आओ, आपकी आपको कुछ कहना है, सही, आओ आओ कहना क्या। Oh,
चुर्रा की दुकान खोलो आप कुछ कर नहीं पाओगे। देखो आपको अकबरपुर जाना, जाओगे आप कानपुर से, सही, तो अपने छोटे भाई का निवेदन स्वीकार कर लेना, तुम्हें कसम है तुम चुर्रा खा के जाना। सही। हाँ, और जो भी चुर्रा आप बताओगे आपको हर क्वालिटी का चुर्रा मिलेगा। सही। खा के जाना अरविंद भैया, आपको कसम है माता रानी की। चुर्रा बताओ ये कैसे मंडल के आदमी। अरे राम राम, चुर्रा की दुकान खोल तुम, पोला खाओ नहीं तो अरे तुम जो चोगला खाओ। जो कपड़े वाले दुकान कर रहे हो उसमें फायदा नहीं, उसको छोड़ो, उसमें बहुत घाटा है। कलर के भारत माँ के, ए भारत माँ के, अब भी जय नाद लिखा रखा है, ये इंकलाब बोली के आगे, हर जिंदाबाद लिखा रखा है। बहुत फुर्ती है तुम्हारे अंदर आदरणीय बुआ जी, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। सही। आपने कहा लेखक अच्छा रखो, ये बात, ये थोड़ा खल गई बात, बार बार बदलते रहते हो। देखिए आप लेखक को ना टोको, हम आपके उमेश भैया को नहीं टोकते हैं। सही। ढोलक मास्टर को टोक लियो, अभी हम कहते हैं कि ढोलक वाला अच्छा रखो, अच्छा रखा करो, बार बार आप ढोलक वाला बदल देती हो। सही। कहीं कहीं दो, कहीं कहीं दो ढोलक वाले ले जाती हूँ, हमारे छोटू को भी ले जाती हूँ। ये बात सही। सतदेवा जी, आपका दिल तोड़ा, कई कलाकारों को हड्डियां भी तोड़ी। हमारे दिल में हड्डी ही बची दादा। सही। और कुछ नहीं बचा है। कहना भारत माँ के पावन आंचल पे अब भी जय नाद लिखा। अभी हमारे मधु दादा कह रहे थे, अरे सब भैया आप कहा है, हमारे मधु दादा कह रहे थे कि आजकल के लड़के बड़े फॉरवर्ड हैं। ये बात, पापा कहते हैं गधे, तो लड़का कहता है ये ना कहो, गधे के बच्चे कहो। अभी बुआ कह रही थी कि लोमड़ी जब अंगूर को नहीं पाती है तो उसको खट्टे लगते हैं, तो ये समझ लो कि आजकल के लड़के हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लोमड़ी वाला उदाहरण क्यों देते हैं? अरे इंकलाब वो लिखे आगे, जिंदाबाद लिखा रखता है। और ये एक बहुत अच्छे रचनाकार, हालांकि बड़े काम इनके पास हैं, एक शरीर है लेकिन काम बहुत हैं। सही विचार। लेकिन ऐसे भी धन्य की छाती इनकी है जो सब काम टाइम से निपटा लेते हैं, और क्योंकि इनके पड़ोसी बहुत परेशान इनको करते हैं। हमारे बड़े भाई
उमेश भैया जी, उमेश सैनी जी, आप तो 51 रुपए हमारे सभी साथी कलाकारों को मिले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साझवाद। लेकिन अरविंद भाई आप खाक जाना, सुनना। अरे ब्रिटिश शासन को हिलाया, तिरंगा तब फहराया, चंद से खर ने बतन पे लहू अपना है बाया, लहू अपना है बाया, लहू अपना है बाया। अरे चंद से खर ने बतन पे लहू अपना है बाया। अरे भारत में जो नाम कर गया, अरे शेर बबर कहलाया, शेर बबर कहलाया। सोने के वो आजाद लिखा रखा, आखिरी बात कह रही है सुने। भगत सिंह वीर निराले, हिंद के शेर थे आले, वीर अब्दुल हमीद को टैंक भी तोड़ डाले, टैंक भी तोड़ डाले, टैंक भी तोड़ डाले। देखो तुम, आपको जोकर कही रहे थे, बताओ ऐसे लोग कहेंगे बेटा, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद छोटा भाई है। नाना साहब तात्या टोपे, अरे देसे मतवाले, अरे देसे मतवाले, देश के हर दुश्मन के आगे, देश के हर दुश्मन के आगे, अरे मुर्दाबाद लिखा रखा। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, तेरे लबों को मिटे लारेगा। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम 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 बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय आनंद की जय करवा।
भैया की जय, सुन भैया की जय, साथ वाले भैया की जय।